हम कहीं बाहर गए हों, परदेश में हों और वापस अपने शहर लौटते हुए फ्लाइट लेट हो जाए या ट्रेन लेट हो जाए तो कैसा लगता है? घर लौटने की बेचैनी सताने लगती है। अचानक लगता है जैसे ईंट पत्थर का मकान जी उठा, तड़प उठा, आवाज देने लगा, बोल पड़ा कि वापस आओ, ये दीवारें तुम्हारा रास्ता देख रही हैं, ये चौखट तब तक नहीं सोएगी जब तक तुम्हारे पैरों की आहट नहीं सुन लेती। लॉन में जो हरसिंगार का पौधा लगाया था उस पर फूल आया है, लेकिन पूरी तरह खिल नहीं रहा। पानी भी दिया, धूप भी दिखाई, शायद तुम्हारी उंगलियों की छुवन बाकी है। घर लौटने में घंटे दो घंटे का इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता, उनकी सोचिए जिन्हें अपना घर देखे हुए 32 बरस हो गए। कब आओगे, ये घर ने मुझसे चलते वक्त पूछा था, यही आवाज़ अब तक गूंजती रहती है कानों में। कश्मीर 1990, हमारे लाखों भाई बहन अपने ही घर आंगन से बेदखल कर दिए गए, और वो भी रातों रात। कोई तार पर सूखता हुआ अपना कुर्ता छोड़ाया, कोई अंगीठी में जलता हुआ कोयला बुझाना भूल गया, चूल्हे पर चढ़ी हुई देग में चावल उबलता रह गया, खाने वाले कभी लौटकर ही नहीं आए, किसी का रेडियो खूंटी पर लटकता रह गया, कोई घर के छोटे से मंदिर में शिव के आगे सर झुका के निकला था ये कह के कि भगवान शायद दो चार दिन तुम्हारे मंदिर में दिया ना जला पाएं, लेकिन जल्दी वापस आएंगे और शिवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे, तब तक घर का ख्याल रखना। दो चार दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर महीने बरसों में। पता नहीं कितनी आंखें अपनी वादी के देवदार देखने की हसरत लिए बुझ गई, कितनी जुबानें अपनी पतीली में पकी हुई कश्मीरी फिरनी का जायका याद करते हुए हमेशा के लिए खामोश हो गई, कितने हाथ शंकराचार्य मंदिर का घंटा बजाने की कामना लिए ठंडे पड़ गए, कितने मस्तक खीर भवानी की चौखट पर दोबारा झुकने को तरसते रह गए। खूंटी पर टंगा हुआ वो रेडियो फिर कभी खुशी के गीत नहीं गा सका, घर वापसी की खबर नहीं सुना सका। कौन थे ये लोग, मेरे आप जैसे लोग, हमारे अपने लोग, कैसे प्यारे प्यारे लोग। ये 32 सालों से उस अपराध की सजा काट रहे हैं जो कभी किया ही नहीं। हर शाम जब परिंदे घोंसलों में वापस लौटते हैं, ये लोग रो पड़ते हैं, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। भगवान श्री राम तो फिर भी 14 बरस में घर लौट आए थे, कश्मीरी पंडितों का वनवास कब पूरा होगा, कब उनकी अयोध्या उन्हें वापस मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर, और ये सवाल मुझे हमेशा व्यथित करता रहता है कि हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों के हक के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठती। और अगर आपको लग रहा है कि घाटी में सिर्फ 32 बरस पहले अत्याचार हुआ था, तो जरूरी है कि आप और मैं इतिहास के पन्ने पलटें, घाटी में जुल्मों सितम का इतिहास समझें और उस देवदूत को हजारों बार सर झुकाएं जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कश्मीरी हिंदुओं के पहले रक्षक और उनके हित के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाले थे सिखों के नवें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी। बलिदान हुए भारत भू पर है जिनके कारण अमन आज, ऐसे गुरु तेग बहादुर की पावन स्मृति को नमन आज। तख्त और ताश के लिए अपनों के गले उतार देना, उनके सीने में तलवारें भोंक देना, ये इस्लामिक शासकों की सबसे पुरानी परंपरा रही है, और उन्होंने इस शर्मनाक परंपरा को बड़े जतन से महफूज रखा है, जिंदा रखा है। ऐसी कहानियों से इतिहास के पन्ने रंगे पड़े हैं। 1657 का पन्ना खोलते हैं, शाहजहां के हाथों से बादशाहत जा चुकी थी, वही शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। कब बनवाया था, जब इस देश में 35 लाख लोग भुखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे। यह इतिहास आपकी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया नहीं गया, पर है सच। 1643 में ताजमहल बन के पूरा हुआ था, और एक अंदाजे के मुताबिक तब तक उस मकबरे पर 9 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके थे, उस जमाने के 9 करोड़। ये बात ध्यान देने के लायक है कि ये रकम शाहजहां के बाप दादे समरकंद और फरगाना से लेकर नहीं आए थे, यही कमाई थी, हमारे मजदूरों और किसानों की हड्डियां चूस कर कमाया था ये पैसा। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में कौन से नंबर पर है मैं नहीं जानता,
लेकिन राजधर्म का मजाक उड़ाने की अगर कोई लिस्ट बनेगी तो यह मकबरा नंबर 1 पर होगा। खैर, वापस लौटते हैं 1657-58 की तारीख पर। शाहजहां के कुपुत्र औरंगजेब ने खानदानी परंपरा पर चलते हुए अपने 3 भाइयों और 2 भतीजों की हत्या करवा दी। अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में बंदी बना लिया और खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। हिंदू धर्म पर इस्लामिक अटैक सदियों पहले से होता आ रहा था, लेकिन औरंगजेब ने जिस तरह खून की नदियां बहाई उसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। सिर्फ हिंदू ही क्यों, सिख और बौद्ध भी औरंगजेब के कहर से अछूते नहीं रहे। जो मुसलमान नहीं वो काफिर, और जो काफिर उसका गला काट देना सवाब है। ये था औरंगजेब का दर्शन। कौन पूछता उस हत्यारे से कि सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या, सर घुमा दे इंसान का ऐसा खपते मजहब क्या। बादशाह बने अभी औरंगजेब को 10 साल ही हुए थे और उसने हिंदू त्योहारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, कंप्लीट टोटल बैन। न होली खुलेआम मनाई जा सकती थी, न दिवाली, न रामनवमी, न दशहरा। यहां तक भी गनीमत थी, लेकिन अभी तो जुल्म और बढ़ना था। 1669 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। देखते ही देखते हमारे भोलेनाथ की काशी उजाड़ दी गई। बनारस का विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर टुकड़े टुकड़े खंड खंड कर दिया गया। जिस मथुरा में कृष्ण ने कंस का वध किया था वहीं उनके उपासकों की गर्दनें उतार ली गई। मथुरा का केशव राय मंदिर तहस नहस कर दिया गया। लेकिन इतना काफी नहीं था। भारत की प्रज्ञा और संस्कृति का सर्वनाश तब तक संभव नहीं था जब तक कश्मीर इस्लाम के झंडे तले ना आ जाए। ऐसा क्यों, क्या खास बात थी कश्मीर में? भारत भूमि पर विद्वानों, पंडितों, ऋषियों, तपस्वियों और बुद्धिजीवियों का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था कश्मीर। कश्मीर वॉज द एपिसेंटर ऑफ नॉलेज, और जिसका नॉलेज पर कब्जा, पूरी दुनिया पर उसका राज, उसकी हुकूमत। तो पहले ये जान लीजिए कि कश्मीर को ये नाम मिला कैसे। ये महर्षि कश्यप की तपोभूमि हुआ करती थी। सदियों पहले हिमालय के मनोरम पर्वतों से घिरी ये घाटी, ये देवलोक कश्यप मर के नाम से विख्यात थी। यही कश्यप मर समय के साथ कश्मीर में बदल गया। जरा इतिहास उठा के देखिए कश्मीर का। जगतगुरु आदि शंकराचार्य पैदल चलकर केरल से कश्मीर आए थे। यही हिमालय की गोद में बैठकर उन्होंने वर्षों साधना की थी, तपस्या की थी। तपस्या यानी रिसर्च, अद्वैत दर्शन का वो रिसर्च जो स्वर्ग में ही संभव था। कौन नहीं आया कश्मीर की इस घाटी में अपने ज्ञान चक्षु खोलने? अभिनव गुप्त, उत्पल देव जैसे दार्शनिक, चरक और वाग्भट जैसे आयुर्वेदाचार्य, कालिदास और मुद्रक जैसे साहित्यकार, भामा जैसे सांख्यिकी के विद्वान, सारंग देव जैसे संगीतकार, सोमदेव और शंकराचार्य जैसे अद्वैत के प्रणेता, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा, पांचवां वेद यानी नाट्यशास्त्र उसे रचने वाले भरत मुनि, भारतवर्ष की बौद्धिक राजधानी अगर कोई थी तो सिर्फ कश्मीर। औरंगजेब ने सनातन संस्कृति के सर्वनाश के लिए शेर अफगान खान को कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया और फतवाए आलमगीरी लागू करने का आदेश जारी कर दिया। शेर अफगान खान की तलवारें औरंगजेब के हुक्म से कश्मीरी हिंदुओं को चीरने लगी। फरमान साफ था, वही जो आपने कश्मीर फाइल्स में देखा है, कन्वर्ट, रन और डाई। इस्लाम कबूल करो, घाटी छोड़ के भाग जाओ, या हमारी तलवारों का लोहा अपने बदन में धंसने दो। हैवानियत बाल खोले कश्मीर की घाटी में नाच रही थी। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा था, उनके घर की बहू बेटियों के आंचल सरेआम खींचे जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, प्राचीन ग्रंथ जलाए जा रहे थे। पंडितों के वंश विनाश के लिए दुधमुहे बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा था। कश्मीर रो रहा था। कश्मीरियों ने जिन्हें पनाह दी थी, बड़े प्यार से, बड़े अपनेपन से पनाह दी थी, उन्हीं लोगों ने कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को तबाह कर दिया। कश्मीरियों के लिए जब कहीं कोई आवाज नहीं उठी तो 1675 में एक कश्मीरी पंडित श्री कृपा राम को विचार आया कि गुरु नानक ने जिनके हाथों में न्याय की बागडोर सौंपी है वो कश्मीरियों की पीड़ा, उनकी वेदना जरूर समझेंगे।
पंडित जी जा पहुंचे गुरु तेग बहादुर साहिब के पास। गुरु जी ने उनकी वेदना सुनी तो तड़प उठे। तभी गुरु जी के 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम, जिन्हें बाद में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जाना गया, वो सभा में आ गए। बाला प्रीतम ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहिब से पूछा, पिताजी ये कौन लोग हैं और ये इतने उदास क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? गुरु तेग बहादुर साहिब ने कश्मीरी पंडितों की व्यथा बाला प्रीतम को सुनाई। बाला प्रीतम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, पिताजी इसका हल कैसे होगा? श्री गुरु साहब ने कहा, इसके लिए बलिदान देना होगा बेटा। बाला प्रीतम ने फौरन जवाब दिया, तो बलिदान दीजिए पिताजी, सोच क्या रहे हैं, विलंब किस बात का है? वीर बाला की बातें सुनकर वहां उपस्थित लोग दंग रह गए, हैरान रह गए। किसी ने पूछा, बाला आपके पिता बलिदान दे देंगे तो आप अनाथ हो जाएंगे और आपकी मां विधवा, क्या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है? वीर बाला प्रीतम ने बड़ी निडरता से उत्तर दिया, एक मेरे अनाथ होने से अगर लाखों बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं और यदि सिर्फ मेरी माता के विधवा होने से लाखों माताएं विधवा होने से बच सकती हैं, तो मुझे अपना अनाथ होना और मेरी माता का विधवा होना स्वीकार है। अपने वीर पुत्र की बातें सुनकर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद गुरुजी ने पंडितों को बड़े सम्मान के साथ विदा किया और उन्हीं के हाथ औरंगजेब के लिए एक संदेश भेज दिया कि यदि तुम गुरु तेग बहादुर साहिब को इस्लाम स्वीकार करवा पाने में सफल रहोगे तो सभी कश्मीरी पंडित इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। औरंगजेब को जब यह संदेश मिला तो उसने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली दरबार में उपस्थित होने का फरमान भेज दिया। परिस्थितियों को देखते हुए गुरु तेग बहादुर साहिब ने गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु गद्दी सौंप दी और बलिदानी चोला ओढ़कर दिल्ली निकल पड़े अपने साथियों के साथ। कौन साथी? वो नाम भी याद आते हैं, भाई सतीदास, भाई चेता, भाई मतीदास और भाई दयानाथ। गुरुदेव और उनके साथी मानवता और सदाचार का प्रचार करते, दीन दुखियारों की मदद करते दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे थे। लोग उनके विचारों और संकल्पों से प्रभावित हो रहे थे, उनके अनुयायी बनते जा रहे थे। गुरु महाराज की बढ़ती हुई लोकप्रियता के बारे में जब औरंगजेब को पता चला तो वो हैरान हो गया, या यूं कहें परेशान हो गया। उसके आदेश पर आगरे तक पहुंच चुके गुरु तेग बहादुर साहिब और उनके साथियों को बंदी बनाकर दिल्ली दरबार में पेश किया गया। औरंगजेब ने गुरु साहिब को देखा तो सीधे मुद्दे की बात पर आ गया, अपने साथियों के साथ इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें जिंदा वापस भेज देंगे। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, यातना या खतना। गुरु नानक जी की गौरवशाली परंपरा के निर्वाहक गुरु महाराज ने उत्तर दिया, अगर तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम कबूल करवाओगे औरंगजेब, तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना इस्लाम में गैर वाजिब है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब को बहुत से लालच दिए, लेकिन जब कुछ काम नहीं आया तो उस अत्याचारी ने उन्हें कैद करवा लिया और भीषण यातनाएं देने लगा। कश्मीरी हिंदुओं को औरंगजेब के कहर से बचाने के लिए गुरु साहिब ने तमाम यातनाएं हंस के स्वीकार कर ली। औरंगजेब ने अपनी आस्तीन का हर खंजर आजमा लिया, लेकिन गुरु साहब टस से मस नहीं हुए, और होते भी कैसे, वो शूर वीर थे, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे तबहु न छाड़े खेत। अब औरंगजेब के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने वही किया जो एक बुजदिल को शोभा देता है, एक एक करके गुरु साहिब के साथियों की बलि देने लगा। भाई मतीदास को श्री गुरु जी के सामने आरी से कटवा दिया, भाई दयानाथ को खौलते पानी में डालकर मार दिया, भाई सतीदास को रुई में लपेटकर आग लगा दी। लेकिन गुरु तेग बहादुर साहिब के एक भी शिष्य को औरंगजेब सजदा नहीं करवा पाया। आखिर में उसने एक काजी को गुरु तेग बहादुर के पास कलमा पढ़वाने के लिए भेजा। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उसी काजी से संदेशा भिजवा दिया कि धर्म नहीं छोड़ूंगा, प्राण छोड़ने को तैयार हूं। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का सर औरंगजेब के फरमान से धड़ से अलग कर दिया गया। ये था
कश्मीरी पंडितों के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान, एक सिख गुरु ने आने वाले अनगिनत युगों के लिए हम हिंदुओं पर अपनी करुणा का ऐसा ऋण चढ़ा दिया जिसे हम कभी नहीं उतार पाएंगे। हमारे मंदिरों के भगवा ध्वज गुरु साहब की केसरी पगड़ी को सम्मान और श्रद्धा से याद करते रहेंगे। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। आपने गुरु साहिब की कथा और कश्मीरी हिंदुओं की व्यथा बड़े धैर्य से सुनी। आपका आभार।